आज हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो सीरीज चल रही है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके पहले के क्लास में, इसके पहले के वीडियो में हमने अफर्मेटिव और निगेटिव का कंप्लीट किया है। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा कौन सेंटेंस होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय उसके नियम क्या होते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के तरीके क्या हैं, आइए उसकी परिभाषा, उसके नियम और इंट्रोगेटिव वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला क्या है विथ एग्जाम्पल वन बाई वन स्टेप में करके हम उसको समझते हैं। वीडियो पर आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहें। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का ये हमारा क्या लिखा है, नियम लिखा है। एक बार हम इस नियम को पढ़ते हैं, उसके बाद ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। नियम हमारा क्या है कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय सभी कर्ताओं के साथ, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने, पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैड। तो सभी कर्ताओं से पहले सहायक क्रिया क्या लग जाएगी? हैड। और उसके बाद कर्ता के बाद क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद इन लगता है, देन उसके बाद क्या लगता है वर्ब की, और नए ऑब्जेक्ट से पहले आई का प्रयोग होता है। ये हमारा नियम है और ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अब एग्जाम्पल आइए हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है क्या कि हैड दे फिनिश्ड द वर्क बिफोर इट वाज 5 PM, बिफोर इट वाज 5 PM। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी क्या है, सेंटेंस को और उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना। अब इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है आप बताइए, और ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है दे, ऑब्जेक्ट हमारा है द वर्क। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के रूप में क्या लिख दें हम, क्या लिख दें? द वर्क। लेकिन नियम कहता है, फार्मूला कहता है, सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दें, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या लग जाएगा? हैड। तो हमने लगा दिया क्या, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट बना द वर्क, उसके बाद क्या लगा दें, बीन, और बीन के बाद देखिए क्या लगाएं, वर्ब की, क्या लग जाएगा, फिनिश्ड, और फिनिश्ड के बाद बाई, और बाई के बाद अब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिख देंगे, बाई दे सब्जेक्ट है, उधर जा कहां बन जाएगा, देम में बाई देम, और बचा क्या, बिफोर इट वाज 5 PM, इंट्रोगेटिव का मार्क। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि कम क्लियर हुआ? अब देखिए इसी में एक दूसरे प्रकार का वाक्य है, हम उसको देखते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड दिया हो, क्या दिया हो, क्वेश्चन वर्ड दे दिया जाए तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो वाक्य देखिए, वाक्य हमारा है कि व्हाई हैड, व्हाई हैड यू कमिटेड सच अ मिस्टेक। अब यहां पर देखिए बोर्ड की ओर आप सभी लोग देखो, आपस में बातें ना हो। अब पहले वाक्य में देखो, वाक्य कहां से शुरू था, हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे वाक्य में हमारा वाक्य कहां शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से। तो इसमें एकदम थोड़ा सा डिफर है दोनों में, कि अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लिखा हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इस क्वेश्चन वर्ड को हम उसी तरह लिख देते, लिखने के बाद मान के चलिए इसका काम हमारा क्या हो गया।
अब वाक्य दोनों बराबर पर आ गए। अब यहाँ पर भी हम क्या क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट और इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट यू गट शाबाश और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सच अमिस्टेकी पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वाइज बनेगा तो कर्ता के रूप में क्या लिख दें, लेकिन सच अमिस्टेक कर्ता से पहले क्या लगाएं, हैड, तो हमने लगा दिया व्हाई हैड सच अ मिस्टेक, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दें, बीन, और बीन के बाद वर्ब की क्या है, कमिटेड, और कमिटेड के बाद बाई, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दिया जाएगा, यू। जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाता तो बदलता है, चेंज होता है, नहीं होता तो यू का यू ही हो जाएगा, बाई। क्लियर हुआ कि नहीं? अब एक थोड़ा सा और डिफरेंट वाक्य है कि वो भी क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ होता, कहां प्रारंभ होगा, लेकिन उसकी पैसिव वॉइस बनाने का कुछ अलग नियम है। तो आइए हम उस वाक्य को भी देखते हैं कि उसकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनती है। वाक्य हमारा है हु हैड सेव्ड, हु हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ अ स्वान, क्या है, हु हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ अ स्वान। अब यहां पर देखिए, ये भी हमारा हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड ही है, लेकिन इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने का थोड़ा सा नियम क्या है, फिर डिफर हो जाता है, अलग हो जाता है। कैसे, जब वाक्य में हमारा हु लिखा होगा, क्या लिखा होगा, हु, तो इसके दो प्रकार है, कितने प्रकार हैं, दोनों प्रकार से पैसिव वॉइस बनाकर देखा जाएगा, और जो ज्यादा इजी लगे उसको हम क्या करेंगे, उसी से पैसिव वॉइस बनाते रहेंगे, ठीक है, दोनों हमारे सही हैं। अब हु अगर वाक्य में सबसे पहले लिखा हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु को बदल देते हैं बाई होम में, काहे बदल दिया हमने, बाई होम में। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइफ ऑफ अ, पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, द लाइफ नहीं है, पूरा द लाइफ ऑफ अ, पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस बनेगा तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दें, द लाइफ ऑफ अ स्वान, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दें, तो बाई होम हैड द लाइफ ऑफ अ स्वान, उसके बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की हर्फ हम सेव। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देख लीजिए, इसमें हम मान लेते हैं हु को सब्जेक्ट, क्या मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट तो ये लिखा है, क्लियर है ना इतना। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे कर्ता रूप में क्या लिखते हैं, हम कर्ता रूप में क्या लिखे, द लाइफ ऑफ अ स्वान को लिखेंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन नियम कहता कर्ता से पहले क्या लगा दे, क्या लगा दे, हैड, तो सबसे पहले हमने लिख दिया क्या, हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट द लाइफ ऑफ अ स्वान, और सब्जेक्ट के बाद अब क्या लगाएं, बोलिए, बीन, बीन के बाद क्या लगा दें, बीन के बाद वर्ब की क्या है, सेव्ड, बीन सेव्ड, और वर्ब की वर्ब फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद अब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या जाएगा, हु, जब उधर जाएगा तो हु बदल जाता कहे में, होम में, कहे बदल जाता है होम में। तो इस प्रकार हु वाले वाक्य दो प्रकार से हमारी पैसिव वॉइस बनती है। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा आपके दिमाग में बना रहता है, उस तरीके से हमको इसकी पैसिव वॉइस बना लेनी है। तो इस तरह आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर अंत में कहेंगे कि अगर आपको ये लगे कि आपके लिए क्लास यूजफुल है
तो आप उसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको और इससे भी बेहतर क्लास देने का प्रयास करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।